सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। सो अगर आप पिछले एक हफ्ते से हमारे चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो यू मस्ट बी यू नो नोइंग दिस थिंग दैट कोई सरप्राइज हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं एंड द डेट ऑफ रिवील ऑफ दैट सरप्राइज इज 25 मार्च विच इज द डेट टूडे। एंड यस इन दिस वीडियो गाइज आई एम गोइंग टू रिवील दैट सरप्राइज। वॉट इज दैट बिग सरप्राइज फॉर यू? जल्दी उस सरप्राइज के ऊपर हम आएंगे बट बिफोर दैट थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एक माहौल बनेगा, राइट? सो स्टार्ट करते हैं आपसे ही बिकॉज यू आर एन एस्पिरेंट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, राइट? सो गाइज इन दिस डिजिटल वर्ल्ड व्हेन एवरीथिंग इज डिजिटल, एवरीवन इज यूजिंग देयर लैपटॉप्स, देयर मोबाइल फोन्स, देयर टैब्स फॉर डूइंग एवरीथिंग, राइट? फॉर बैंकिंग वी आर यूजिंग आर लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स। For studying, we are using our laptops or mobile phones. For reading newspaper, we are doing the same. So, even in this digital world, is digital world होने के बावजूद भी, wherever it comes to government exam preparation or any examination preparation, what is that one thing that comes to your mind for the very first time? वो एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा important है हर aspirant के लिए, हर exam देने वाले के लिए, हर पढ़ने वाले के लिए, क्या है वो एक चीज? यस, दैट वन थिंग इज अ बुक, बिकॉज बिना बुक के, बिना किताबों के यू गाइस कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कंट्री हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, हु इज गोइंग टू गिव एनी एग्जामिनेशन, ही और शी कैन नॉट गिव दैट एग्जामिनेशन विदाउट बुक्स। बुक्स ही तो है जो कि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी कराएंगी, बुक्स ही तो है जो कि आपको नॉलेजेबल बनाएंगी, बुक्स ही तो है आई वुड से जो कि आपको इंसान बनाएंगी, राइट? सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, सो दिस इज द बिग सरप्राइज एक्चुअली। कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, द टीम अनु जिंदल इज नाउ इनटू द पब्लिकेशन। आपने सुना होगा कि किताबें ही क्रांति लेके आती हैं, सो टू ब्रिंग दैट क्रांति टू ब्रिंग दैट रेवोल्यूशन, द टीम अनु जिंदल इज नाउ इनटू द पब्लिकेशन। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, we have launched our publication and very soon we will be coming with bahut sari kitabon ke sath hum aapke samne aayenge aur aapka knowledge ka jo level hai wo definitely upar jayega, chahe aap kitni bhi digital modes ka istemal kar rahe ho। In fact I am telling you all these things through a digital mode only, but importance of books, value of books hum sab jante hain, bina kitabon ko padhe koi bhi apne jeevan mein aage nahi badh sakta, right? अब्दुल कलाम इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखा करते थे, वो किताबें पढ़ा करते थे, राइट? पंडित नेहरू किताबें पढ़ा करते थे, डॉक्टर अंबेडकर किताबें पढ़ा करते थे। जो बुक्स होती हैं वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, राइट? इंस्टाग्राम रील, फेसबुक, यूट्यूब पे जितना मर्जी आप वीडियो देख लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट एक बुक है कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? सो विद दैट वी आर लॉन्चिंग आवर वेरी फर्स्ट बुक which is UPSC preliminary past year paper, right? UPSC का prelims का past year paper है 2022 और 21 का। The very first book is this that we are launching, right? Don't worry, RBI, SEBI and NABARD aspirants, we are working for you guys as well. In fact, RBI की past year की paper की book almost ready है, so we'll be launching that book as well very soon. तो अभी अगर मैं इस बुक की बात करता हूँ, UPSC प्री पास्ट ईयर पेपर, तो जिसमें दो साल के पेपर है 2022 और 21 की। सो यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि यार अच्छा आपने ऐसा क्या नया निकाल दिया, देर आर अ नंबर ऑफ बुक्स इन द मार्केट विच आर गिविंग अस द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ यूपीएससी प्री, राइट? सो व्हाट आर यू डूइंग न्यू, उसमें नया क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दैट बुक कंसिस्ट ऑफ समथिंग न्यू, एक नए तरीके से आपके सामने पास्ट ईयर पेपर हम लोग लेके आ रहे हैं, राइट? सो बिफोर दैट मैं आपको बुक की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन देना चाहूंगा थ्रू दिस टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ दिस बुक, राइट? जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बुक कंसिस्ट ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, राइट? इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है। पहला चैप्टर जैसे कि पॉलिटी, तो जब आप पॉलिटी वाला चैप्टर खोलोगे तो यू विल गेट द पास्ट ईयर पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी ओनली, एंड दैट टू टॉपिक वाइज, द क्वेश्चंस हैव बीन सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज इनको सेग्रीगेट कर दिया गया है। आफ्टर दैट you will open the chapter of economics where you will get the questions, the previous year questions of economics which have been asked in the previous year from those chapters. Similarly, we have ancient history, medieval history, modern history, art and culture, environment,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ज्योग्राफी. सो ऑल द सब्जेक्ट्स हैव बीन कवर्ड. जहां से भी क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइज हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू, ताकि आपको वेटेज पता चल सके कि आपको किसमें कितनी मेहनत करनी है. आपको यह पता चल सके कि कौन से चैप्टर में से किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उस चैप्टर को उस लेवल तक पढ़ना होगा. ओके, नाउ जो इसका पहला चैप्टर है वो मैं आज रिवील कर रहा हूं आपके सामने, ताकि आपको ये समझ में आए कि व्हाई दिस बुक इज सो स्पेशल, व्हाई इज बुक डिफरेंट फ्रॉम अदर बुक्स विच आर देयर इन दी मार्केट फॉर द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर पेपर्स, राइट. तो पहला चैप्टर जो पॉलिटी का है, दैट आई एम गोइंग टू रिवील इन दिस वीडियो. एंड यस, द पीडीएफ ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर वी आर गिविंग इट फॉर फ्री विदाउट एनी कॉस्ट. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का, इस चैप्टर वन पॉलिटी को डाउनलोड करने का, ठीक है. तो लेट अस डिस्कस कि इस बुक में क्या ऐसा स्पेशल है जिसके बारे में मैं आपसे बार बार फोकस कर रहा हूं. सो दिस बुक कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन. देखो यहां पे आपको टॉपिक वाइज, पहले तो चैप्टर है पॉलिटी का, अब उसमें भी टॉपिक वाइज बाइफर्केशंस है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद क्वेश्चंस गिवन है. अब आप कहोगे आंसर्स कहां है भाई, आंसर्स मिलेंगे, डोंट वरी. एंड दैट इज द यूनिक पार्ट ऑफ दिस बुक, राइट. तो ये टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. लाइक हियर इज द टॉपिक प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट. देन मूविंग अहेड, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन न्यू टॉपिक्स. देन वी हैव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज, राइट. थोड़ा सा रुको, अभी आपको इस बुक की यूनिकनेस पता चलेगी. पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, सिमिलरली टॉपिक वाइज क्वेश्चन आर हैव बीन प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर बुक. नाउ अगर मैं इस बुक की अब यूनिक फीचर की आपके आपसे बात करूं, तो उसका जो यूनिकनेस है वो उसके आंसर इसके एक्सप्लेनेशन में है, ठीक है. और वो क्या है हम देख लेते हैं. सो गाइज सी हियर, ऑल दी आंसर्स, ऑल दी एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, राइट. इट इज बेसिकली अ फोर स्टेप फॉर्मूला टू क्रैक एनी क्वेश्चन ऑफ प्री. दिस बुक गिव्स यू हाउ टू अप्रोच एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस बुक गिव्स यू अप्रोच कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो हाउ वुड यू अप्रोच दैट क्वेश्चन. और उसके लिए देयर इज अ फोर स्टेप फॉर्मूला विच यू कैन फॉलो फॉर एवरी क्वेश्चन, एंड दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड इन एवरी क्वेश्चन जो भी आपके सामने आएगा. एंड वॉट इज दैट फॉर्मूला, यू कैन यूज नॉलेज, राइट. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नॉलेज ये हो जाएगी, नॉलेज आपके पास जो भी है वो आप अपने उस क्वेश्चन में लगा सकते हो. देन यू कैन यूज कॉमन सेंस, राइट. देन यू कैन यूज एलिमिनेशन टेक्निक, एंड ऑफकोर्स दी स्मार्टनेस, राइट, स्मार्टनेस. तो ये चार चीजें हैं हर आंसर में आपको मिलेंगी, और इन चार फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप यूपीएससी सीएससी के प्री का हर क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, राइट. और ये चारों की चारों टेक्निक्स यू कैन सी हर आंसर में है, हर आंसर में. नॉलेज, कॉमन सेंस, एलिमिनेशन ट्रिक, स्मार्टनेस. नॉलेज, कॉमन सेंस, एलिमिनेशन ट्रिक, स्मार्टनेस, विच मेक्स दिस बुक यूनिक, राइट. ये इसका यूनिक फीचर है. एंड आई गारंटी यू जब आप इस बुक को पढ़ोगे डिटेल में, so you guys will understand what is the uniqueness, what is the that unique feature of this book. आपको समझ में आएगा जब आप question के बाद, question solve करने के बाद जब आप explanation पे आओगे, then you will understand ki okay, yes, this was the way with which I could solve this question, right. And in future also I can use this technique to solve any question of pre, all right. So this is the surprise was for today, and I hope you guys have loved this surprise. And yes, one thing which I wanted to say here, that if you guys want any book, agar aap kisi bhi koi bhi book chahte ho to please comment mein likh ke batao, we will work on that book. Hum aapke liye hi is publication mein aaye hain, to jo bhi aapki demands hongi usko hum consider karenge, and we'll be coming soon on that particular topic. Okay, so yeah, I hope guys you have liked this surprise. And yes, पहले चैप्टर की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी
हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, सो यू कैन डाउनलोड द फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन, सो दैट यू गाइस कैन गो थ्रू द फर्स्ट चैप्टर एंड रियलाइज हाउ डिफरेंट दिस बुक इज, राइट. और बुक कब आएगी, पूरी कब आएगी, कैसे आएगी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी. दिस वीडियो वॉज रिगार्डिंग फॉर रिगार्डिंग दिस थिंग ओनली कि सरप्राइज क्या है. तो सरप्राइज ये है दैट वी आर नाउ इनटू द पब्लिकेशन एंड वी विल बी लॉन्चिंग न्यू बुक्स वेरी वेरी सून. बहुत नई नई किताबें, नई नई तरीके की किताबें आपके सामने आएंगी विद सम यूनिक फीचर्स जैसा कि इस बुक में है. ऑलराइट, सो नाउ यू गाइस कैन कमेंट कि आपको ये सरप्राइज कैसा लगा, एंड इफ यू वॉन्ट सम मोर बुक्स यू कैन ऑल्सो कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. ओके, सो या दैट वॉज द सरप्राइज एंड दैट इज इट. मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में और अगली किसी क्लास में. टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.